Hello all. So in today's class, we will be talking about this question, which was given by Sokin, one of my students. And since he couldn't solve the problem, so I plan to start a lecture series of few doubt clearing classes so that these videos can be uploaded on my YouTube channel and it can benefit other students as well. So let us start this question. So here we have been given a triangle ABC in which we have to prove that A plus B plus C whole square by A square plus B square plus C square will be equal to summation cot A by 2 by summation cot A. Okay. So देखिए यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखना होगा कि cot A by 2 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कुछ हमें पता है क्या. तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि tan a by 2 की जो फॉर्मूला होती है वो कितनी होती है, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई आपका होता है एस इंटू एस माइनस ए. तो अगर आप भूल भी जाते हो तो कैसे आप इसको याद रखोगे. यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ पे ए है ना एंगल, जब ए है मतलब पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो. देखो ये हो गई ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल बी, ये ट्राइंगल सी. एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी होती है और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होती है. ठीक है. तो जब यहाँ पे आपका टेन ए बाई टू की बात कर रही है तो आपका एंगल ए है तो नीचे ए वाला पार्ट नीचे में आएगा और बाकी पार्ट ऊपर में आएगा. आपको देख के ये समझ में आना चाहिए कि हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो उसमें टोटल चार प्रोडक्ट है, हीरोन्स फॉर्मूला में होता है ना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो यहाँ पे चार प्रोडक्ट है, उसमें से ये दो प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रख दिया हम लोगों ने और ये दो प्रोडक्ट को हम लोगों ने डिनोमिनेटर में रख दिया. तो सिमिलरली वैसे ही अगर मैं टेन बी बाई टू की बात करूँ तो टेन बी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एस इन माइनस, देखिए बी है ना तो बी को छोड़ के बाकी लिखो तो आपका हो जाएगा सी और आपका एक हो जाएगा ए वाला पार्ट, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई नीचे में रिमेनिंग दो फैक्टर होगा जो कि होगा एस इंटू एंगल बी है, यहाँ पे बी वाला पार्ट नीचे में आएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. तो यहाँ से अगर हम बात करें cot a by 2, तो cot a by 2 की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट इसी का cot a by 2 आपको पता है tan a by 2 का रिवर्स होता है, ये जस्ट आपका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए बाई ये आपकी हो जाएगी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ठीक है. और सिमिलरली वैसे ही आपकी ये cot b by 2 भी हो जाएगी, cot b by 2 कितनी हो जाएगी, रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी बाई एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए. सिमिलरली आपका cot c भी निकल जाएगा, cot c by 2 भी निकल जाएगा. तो अगर हम आइदर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड से प्रूफ करता हूँ. और वहाँ पे जो न्यूमरेटर ऑफ एल एच एस है, ठीक है, न्यूमरेटर को मैंने एन आर से रिप्रेजेंट किया. न्यूमरेटर ऑफ एल एच एस जो है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2, मतलब एक्चुअली उसका समेशन गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cot a by 2 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाई आपके पास हो जाएगी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सिमिलरली प्लस रूट अंडर ये cot b by 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए वो आपके पास हो जाएगी एस इंटू एस माइनस बी बाई आपके पास हो जाएगी एस माइनस कितनी, सी इंटू एस माइनस ए. ओके, प्लस रिमेनिंग आपके पास है cot c by 2, तो सेम फार्मूला से जब c होगा तो नीचे में एस इंटू एस माइनस सी होगा और ऊपर में आपका रिमेनिंग मतलब एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी होगा. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब एल सी एम ले लेंगे. तो आपको देख के समझ में आना चाहिए जब पूरा एल सी एम होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप एल सी एम करके जब करो, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो अगर आप करोगे तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा, हाँ तो ये आपके पास हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए उसका होल स्क्वायर, मतलब ये आपके पास हो जाएगी एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए आपके पास हो जाएगी. ठीक है, अच्छा प्लस ये आपके पास हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी और ये आपके पास हो जाएगा एस इंटू
एस माइनस सी, सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती किया था, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हम टेन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सॉरी क्वाड की बात कर रहे हैं, ये आपका होगा एस इंटू एस माइनस सी, नीचे में होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके चलिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा देख लो, आपको ऊपर से एस कॉमन जाएगा और ये आपको मिल जाएगा थ्री एस, ठीक है, माइनस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी बाई आपके पास होगा रूट अंडर, मतलब ये बेसिकली आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपके पास हो गया एस इंटू ये थ्री एस और ये आपकी हो जाएगी टू एस, क्यों, बिकॉज आपको पता है एस की सेमी पेरीमीटर का वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यहाँ से टू एस की वैल्यू जो हो जाएगी वही हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, आपके पास हो गया डेल्टा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एस इंटू एस, ठीक है भाई, हो जाएगी डेल्टा। यहाँ तक समझ में आया आप? यहाँ पे आप अगर एक चीज़ ध्यान दोगे तो सिंस मैंने ये वाली पार्ट मैंने गलती की थी, इसलिए हमारा एलसीएम भी एक्चुअली गलती आया है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका ये वाला एलसीएम होगा, ठीक है, इसका मतलब आपका जो ये वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट को हम फिर से कर देते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इसको देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आपका देखिए सब में से आपका रूट एस कॉमन जाएगा, आप सब में से रूट एस अगर कॉमन कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास बसेगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ठीक है, प्लस आपका एस माइनस सी, दैट मीन्स आपको एक्चुअली मिलेगा 3s माइनस आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्लियर भाई, नीचे में आपको मिल जाएगा रूट अंडर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपको मिल गया। इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो यहाँ से देखिए आप क्या करो, ऊपर नीचे रूट एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट एस इंटू रूट एस करेंगे तो आपका हो जाएगा s, ये आपका हो जाएगा 3s माइनस, अभी मैंने बताया सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 2s, ये हो जाएगा 3s माइनस 2s, और नीचे में जब मैं रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई s इंटू आपका s बाई हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअली आपका क्या हो रहा है, वो आपके पास हो जा रहा है ए स्क्वायर बाई डेल्टा, ये किसका वैल्यू हो गया, एल एच एस का न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया। अब हम चले आते हैं आपका एल एच एस का जो डिनोमिनेटर है उसका उसके उसको सॉल्व करते हैं, सो डिनोमिनेटर ऑफ एल एच एस की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितने की है ना देख लीजिए, वो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये आपके पास है कॉट ए प्लस आपके पास है कॉट बी प्लस आपके पास है कॉट सी, इसको भी मैं कोशिश करूंगा ए बी सी डेल्टा और एस के फॉर्म में लिखने का, तो इसको सबसे पहले आप क्या कर दो, कॉस बाई साइन में आप चेंज कर लो, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, पहले यहाँ से देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो आपके पास होती है कॉस ए बाई आपके पास होती है साइन है, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आपके पास होता है टू बी सी, ठीक है, और एक और चीज़ अगर आप साइन रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, इसका वैल्यू होता है टू इंटू कैपिटल आर, जहाँ पे आर आपका होता है सरकमफेरेंस ऑफ द, ठीक है, वो ट्राइंगल जो होता है ना उसका जो सरकम सर्कल होता है उसका रेडियस होता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो साइन ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ए बाई टू आर, सिमिलरली साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी बाई टू आर और साइन सी की वैल्यू हो जाएगी सी बाई टू आर, ठीक है, तो वो मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास है कॉस ए इंटू आपके पास है वन बाई साइन ए, ठीक है, तो वन बाई साइन ए करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब टू आर बाई आपके पास हो जाएगा ए, ठीक है, तो यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा आर टाइम्स, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आपके पास हो गया ए बी सी, इसी को मैं जनरलाइज कर दूंगा तो इसका वैल्यू हो गया आर
ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई आपके पास हो गया ए बी सी। सिमिलरली जब आप कॉट भी करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा आर बाई ए बी सी हो जाएगा। जब यहाँ पे एंगल ए था तो माइनस में ए स्क्वायर था, जब एंगल बी होगा तो माइनस में बी स्क्वायर होगा, तो बाकी दोनों प्लस होंगे, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में होंगे, ठीक है प्लस। वैसे कॉट सी जब करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सी वाला माइनस में होगा, मतलब माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिशन में होंगे, और पहले से सब में सिमेट्रिक जो है आर बाई ए बी सी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, आर बाई ए बी सी आपका कॉमन हो जाएगा, आप आर बाई ए बी सी कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो लास्ट टर्म आपके पास होगी वो आपके पास हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आर बाई, ऊपर में आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो गया सी स्क्वायर, और नीचे में आपके पास हो गया ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके यहाँ पे जो आर बाई ए बी सी है समथिंग आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा, आपको पता होना चाहिए एक एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा का एक और फॉर्मूला होता है ए बी सी बाई फोर आर, ठीक है ए बी सी बाई फोर आर। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं ए बी सी बाई आर की वैल्यू निकालूँ अगर, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना फोर डेल्टा, मतलब अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो आर बाई ए बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी वन बाई फोर डेल्टा, ठीक है। मतलब आर बाई ए बी सी की जगह पे मैं पुट कर दूंगा वन बाई फोर डेल्टा, और इनटू आपके पास पहले से कितना है वो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम चले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तब ध्यान दो तो आपके पास जो एल एच एस था वो एल एच एस कितना था बच्चों, एल एच एस आपके पास था समेसन कॉट ए बाई टू बाई समेसन कॉट ए, ठीक है। ये आपके पास था समेसन कॉट ए बाई टू बाई आपके पास था समेसन कॉट ए, मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी बच्चों, देखो न्यूमरेटर की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी ए स्क्वायर बाई डेल्टा, ठीक है। वो आपके पास आई थी ए स्क्वायर बाई डेल्टा होल बाई, ठीक है होल बाई आपके पास जो डिनोमिनेटर है, आपके पास जो डिनोमिनेटर है तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई थी आपके पास ये वाली वन बाई फोर डेल्टा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगी वन बाई फोर डेल्टा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके पास हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया, ये आपके पास हो जाएगा फोर एस स्क्वायर, ठीक है भाई आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो एस के टर्म्स में नहीं होगा, ए बी सी के टर्म्स में होगा। तो आप ये काम कर सकते हो, फोर एस जो है ना उसको टू एस का होल स्क्वायर लिख सकते हो, भाई नीचे में एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया टू एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसका हो गया होल स्क्वायर बाई आपके पास जो नीचे में है वो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हम देखते हैं कि हाँ एक्चुअली जो हम सॉल्व किए थे वो आपके पास वो एल एच एस नहीं थी, अगर देखा जाए तो वो आपका था आपका न्यूमरेटर ऑफ आर एच एस, तो वैसे ही ये आपका था डिनोमिनेटर ऑफ आर एच एस, ठीक है। और ये जो आपका था ये आर एच एस था, तो आर एच एस का वैल्यू ये आ गया जो कि आपका एक्चुअली क्या है, जो कि एक्चुअली आपका एल एच एस के बराबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेक कर लो आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस हेंस प्रूफ, ठीक है हेंस प्रूफ। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप सबको समझ में आ गया होगा।